अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा की तहसील कुलपहाड़ में अधिवक्ताओं ने तहसीलदार की कार्यप्रणाली से खफा होकर तहसीलदार डॉक्टर संजीव राय के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मुर्दापात के नारे लगाते हुए संपूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित अपर जिलाधिकारी से लिखित शिकायत की। आपको बता दें कि जनपद महोबा की तहसील कुलपहाड़ में अधिवक्ताओं ने वर्तमान में तैनात तहसीलदार डॉक्टर संजीव राय की कार्यप्रणाली से परेशान होकर मोर्चा खोल दिया, जिसमें अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसीलदार कोई भी काम करने के एवज में पैसों की मांग करता है और बिना पैसों के कोई बात का निस्तारण नहीं करता है। साथ ही अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसीलदार पैसे लेने के बाद भी काम नहीं करता है, जिससे वादकारी खासे परेशान हो रहे हैं। कुल मिलाकर अधिवक्ताओं की माने तो तहसीलदार काम चोर की श्रेणी में आता है, जो कोई भी काम बिना दाम लिए नहीं करता है, जिसे तत्काल या तो हटाया जाए या फिर निलंबित किया जाए। हमारे सब अधिवक्ता संघ के सभी लोग तहसीलदार और SDM से बहुत ही परेशान है। ना तो कोई नया कार्य SDM द्वारा किया जाता है और ना तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। तहसीलदार मनमानी करके भ्रष्टाचार में लिप्त है और अधिक से अधिक पैसा लेके ही लोगों का कार्य करता है, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं। अपडेट मीडिया के लिए कुलपहाड़ महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।